देखिए जिला गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर किस तरीके से कैसी तैयारियां की जा रही हैं। सामान खरीदार लोग आ रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे बिहार में पूरी तरीके बिहार में परंपरागत तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ गाजियाबाद में भी छठ पूजा पूरी परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है। ये कितने का है? हैं? सूप भी बिल्कुल उसी तरीके के परंपरागत तरीके के जिनकी कीमत इस समय 90 रुपये है और बाकी सामान भी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये सारा आइटम छठ पूजा का इस तरीके से। जी हाँ, गाजियाबाद में देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम जो है इस समय गाजियाबाद में, ऐसे लगता है जैसे बिहार में पूरी परंपरागत तरीके से छठ पूजा का आयोजन होता है, उसी तरीके से इस समय गाजियाबाद में भी छठ पूजा का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर तरह तरह की खरीदारियाँ लोग बाग कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। संजय, कब से लगा रहे हो छठ पूजा की दुकान? लगाई है छठ पूजा की दुकान, लगाया है, हर साल लगाते हैं। अच्छा, क्या गाजियाबाद में पहले जैसे बिहार में मनाया जाता उसी तरीके से यहाँ भी? हाँ जी, उसी तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे गाजियाबाद में। हाँ जी, कब है छठ पूजा? छठ पूजा 10 तारीख का है। तो कब से शुरुआत, खरीदारी की शुरुआत कब से? खरीदारी की शुरुआत आज से चालू हो गया। ये सूप कितने कितने का है? ये सूप 70 रुपये का है। और टोकरा? टोकरा 150 रुपये का है, 50 रुपये का है, 150। पिछले साल भी यही रेट थे? पिछले साल से अब साल से तेज है। कितना बहुत फर्क है पिछले साल से? कितना कितना फर्क है? कम से कम 30% का, सभी सामान में। सभी सामान। हाँ, तो देखिए छठ पूजा में सामान का भी काफी, महंगाई का छठ पूजा पर भी काफी असर, सभी सामान पे 30% ज्यादा इस बार हो गया है। ये नारियल, नारियल कितने का है? नारियल 40 रुपये का।